नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं जनयात्रा टीवी। आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर एसोसिएशन की कार्यकर्त्रियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के अवकाश के लिए निवेदन किया है। इस दौरान कार्यकर्त्रियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश भर में सभी प्राइमरी स्कूलों के अवकाश हो चुके हैं और हमारे महोबा जनपद में 275 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिनका अवकाश अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भीषण गर्मी और तेज लपट और धूप के चलते बच्चे रोगग्रस्त हो रहे हैं, जिसके लिए महोबा जिला प्रशासन इन छोटे छोटे बच्चों का अवकाश घोषित करे। क्या नाम है आपका और आज किन मांगों को लेकर आज हम आपके पास आप लोग? मैं फूलवती राजपूत हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने से छोटे छोटे बच्चे आते हैं। काफी जिलों में छुट्टी भी हो गई बच्चों की, हमारे महोबा जिला में छुट्टी नहीं हुई, इसलिए हम डीएम सर को ज्ञापन देने आए। गर्मी इतनी भीषण गर्मी में लू चलती, बच्चे बीमार हो रहे, रोज 12 बजे छुट्टी होती है, इतनी तेज लू चलती है, बच्चे बीमार पड़ रहे, छुट्टी हो नहीं रही। कितने से कितनी उम्र तक? 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं नन्हे नन्हे से। बड़ी बात, स्कूलन की छुट्टी है, आंगनबाड़ी की छुट्टी नहीं है, जो सबसे पहले होनी चाहिए। नहीं, जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिया है एक लेटर, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अंजना शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आप लोगों की क्या समस्या है जो आप सभी लोग इकट्ठे हुए हैं? हम सभी लोग आज आंगनबाड़ी वर्कर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ताकि जो हमारे 3 से 6 वर्ष के छोटे बच्चे हैं उनको ग्रीष्म अवकाश दिया जाए, और इसकी शिकायत में हम जिला कार्यक्रम अधिकारी को एक लेटर दे भी चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है, और इसलिए हम डीएम सर को ज्ञापन देने आए हैं। ये महोबा जिले का पूरा मामला है। कितने आंगनबाड़ी केंद्र होंगे अपने महोबा? 275 आंगनबाड़ी केंद्र है पूरे जिले में। जी, ऐसे देखने के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा टीवी।